हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की पीरियोडिक प्रॉपर्टी की, यानी कि आवर्त सारणी में जो एटम्स हैं उनके गुण किस क्रम में या किस सीक्वेंस में चेंज होते हैं। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि ये पीरियोडिक टेबल दी हुई है जिसे मेंडलीव ने दिया था। इसमें तत्वों के गुण किस प्रकार चेंज होते हैं उसे हम कहते हैं पीरियोडिक ट्रेंड। इसमें हम जो मेनली तत्वों के गुणों को स्टडी करेंगे वो एटम की साइज किस प्रकार चेंज होती है, तत्वों की आयनाइजेशन एनर्जी किस प्रकार चेंज होती है, तत्वों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता किस प्रकार चेंज होती है। लेकिन इसको जानने से पहले हम एक मेन चीज़ देखेंगे, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कोई तत्व है उसके न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कितनी पावर है अपने पड़ोसी तत्व को के इलेक्ट्रॉन को। यानी कि कोई एलिमेंट ए है उसका न्यूक्लियस पड़ोस वाले एलिमेंट बी के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार कितना इफ़ेक्टिवली आकर्षित कर सकता है। इसमें हम जेड इफ़ेक्टिव की कैलकुलेशन करते हैं, जेड इफ़ेक्टिव बराबर जेड माइनस एस, यानी कि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज टोटल न्यूक्लियर चार्ज में से स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट को माइनस करने के बाद प्राप्त होता है। अगर हम आवर्त सारणी में विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखें तो नीचे से ऊपर चलने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है और आवर्त सारणी में बाएँ से दाएँ तरफ चलने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है। एटॉमिक साइज के बारे में बताया गया है, किसी एटम की साइज, तो किसी एटम की अगर हम साइज दो एक जैसे एटम उनके दो नाभिक हैं उन नाभिकों के बीच की दूरी कैलकुलेट की जाती है और फिर उसको दो से डिवाइड कर दिया जाता है तो एक एटम की रेडियस हमें प्राप्त होती है। एटॉमिक रेडियस की हम बात करते हैं तो आवर्त सारणी में बाईं तरफ से दाईं तरफ जाने पर एटॉमिक रेडियस लगातार कम होती है और नीचे से ऊपर जाने पे एटॉमिक रेडियस कम होती है। आयनाइजेशन एनर्जी, तो आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, किसी एटम की बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा देनी पड़ती है उसे उस एटम की आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एनर्जी भी बाएं से दाएं तरफ जाने पर बढ़ती है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, किसी एटम में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन जोड़ें, जैसे क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ के सीएल माइनस आयन बनाते हैं तो उस समय कितनी ऊर्जा रिलीज होती है यानी मुक्त होती है उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर निकलने वाली ऊर्जा। अगर हम पीरियोडिक ट्रेंड की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। ये कुछ नोबल गैस के एग्जांपल हैं। पीरियोडिक टेबल में मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स को भी दर्शाया गया है। मेटलिक प्रॉपर्टी भी पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाने पर डिक्रीज होती हैं। इस लास्ट डायग्राम के द्वारा बताया गया है एटॉमिक पीरियोडिक टेबल में किस प्रकार गुण चेंज होते हैं। एटॉमिक रेडियस नीचे जाने पर बढ़ती है, आयनाइजेशन एनर्जी ऊपर जाने पर बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी पीरियोडिक टेबल में नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दाएं से बाएं जाने पर बढ़ती है, आयनाइजेशन एनर्जी भी बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। अगर हम इस चैप्टर को शॉर्ट में देखें तो मैं आपको एक बार समरी फॉर्म में यह चैप्टर रिवाइज करवा देता हूँ। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी, यानी परमाणु का भार कितना होगा, और लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। इसमें 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग हैं। आवर्त में परमाणु क्रमांक क्रम से बढ़ता जाता है। एक ही आवर्त के तत्व में